फ्रेंड्स, वेलकम टू डिफेंस मैट्रिक्स। तो जैसा कि हम जानते हैं, जो दूसरी नेगेटिव इंपोर्ट लिस्ट है डिफेंस इक्विपमेंट्स की, वो बाहर आई है, जिसमें लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर के भी इंपोर्ट पर बैन लगाया गया है। तो यहाँ से एक चीज़ साफ हो जाती है कि जो कामोवका का 226 हेलीकॉप्टर लेना था वो अब नहीं लिया जाएगा, और इसकी जो रिक्वायरमेंट है वो स्वदेशी HAL द्वारा जो LUH बनाया गया है वो पूरी करेगा। तो ये काफ़ी अच्छी न्यूज़ है लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर प्रोग्राम के लिए, और ये होनी भी चाहिए। यहाँ पर कोई सरप्राइज़ नहीं है, क्योंकि LUH ने अपने ट्रायल्स में काफ़ी अच्छा परफॉर्म भी किया था और इनकी परफॉर्मेंस से आर्मी खुश थी। लेकिन अगर यहाँ पर हम टोड आर्टिलरी की बात करें, 155 मिलीमीटर और 52 कैलिबर की, तो उसके इम्पोर्ट पर बैन नहीं लगाया गया है। यानी कि इसके अच्छे खासे चांसेस हैं कि इजरायली एथोस जो है वो ली जा सकती है इंडिया की ATAGS के बदले में। तो ये जो टोड आर्टिलरी ली जानी है, इसका रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल पहला 2002 में आया था और इस पर काम 2001 से चल रहा है। तो इसको करीबन 20 साल जो हैं वो बीत चुके हैं, 2 दशक का समय जा चुका है, और अभी तक इसमें कोई फैसला जो है वो बाहर नहीं आया है। तो ये चीज़ भी हमें दिमाग में रखनी चाहिए फ्यूचर रेडी कॉम्बैट व्हीकल के लिए, जिसको 2030 में इंडक्ट करने की बात कही जा रही है। पर ये कितनी सही साबित होती है ये तभी पता लगेगी। हो सकता है ATAGS की तरह तब तक DRDO का जो FRCV है वो भी बाहर आ जाए और जो पेच है वो वैसे ही फंस जाए जैसे अभी फंसा है। तो ये जो 2030 के इंडक्शन की बात कही जा रही है, ये कोई पत्थर की लकीर नहीं है। T-14 अर्माटा के जो चांसेस हैं वो ज़्यादा लग रहे हैं जैसे कि एथोस के हैं, पर ये चीज़ आगे देखने वाली बात होगी। तो अब हम बात करते हैं एथोस और ATAGS के बारे में, ताकि हमें फ्यूचर का थोड़ा बहुत आइडिया मिल जाए, जहाँ से हम ये एस्टिमेट कर सकें कि जो FRCV का कॉम्पिटिशन है वो फ्यूचर में कहाँ ख़त्म हो सकता है। तो जो शुरुआत में कॉम्पिटिशन चल रहा था वो इजरायली एल्बर्ट एथोस और फ्रेंच नेक्स्टर की ट्राजन के बीच में था। तो इसमें ट्रायल्स और इवेल्यूएशन के बाद जो एथोस है उसे L1 घोषित किया गया, क्योंकि जो प्राइस कोट किया गया था वो काफ़ी कम था। तो नेक्स्टर द्वारा जो प्राइस कोट किया गया था 400 गनों के लिए, वो करीबन 776 मिलियन यूरोस था, और इसराइल द्वारा जो प्राइस कोट किया गया था वो खाली 477 मिलियन यूरोस था। तो यहाँ पर प्राइस डिफरेंस बहुत ज़्यादा था। तो जो एथोस है वो कंपेरेटिवली बहुत सस्ती है। तो 2019 में ही जो एल्बर्ट की एथोस है उसको सबसे लोएस्ट बिडर जो है वो घोषित किया गया। तो इनको करीबन 400 गन जो है वो सप्लाई करनी थी, और बची हुई 1180 जो गने हैं उसको टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र के थ्रू इंडिया में ही बनानी थी। तो ये चीज़ आपको बता दें कि एथोस ने अपने सारे ट्रायल्स जो हैं वो कम्प्लीट किए हैं, साथ में ही अपने कॉम्पिटिशन से 40% सस्ती थी। और यहाँ पर खाली चीज़ें ख़त्म नहीं हो रही हैं। इसराइल के ऑफ़र की और बात करें तो इसराइल ने ये कमिट किया है कि वो शुरुआत की 400 गनों को बनाते हुए ही 70% इंडिजनाइजेशन को अचीव करेंगे, यानी कि शुरुआत की 400 गनों में ही 70% इंडियन कंपोनेंट्स लग जाएंगे। साथ में इन्होंने ये भी प्रॉमिस किया है कि जो एक्चुअल डिलीवरी 72 मंथ्स में करनी है ये उसको 54 मंथ्स में ही अचीव कर लेंगे। तो ये सब अचीव करने के लिए इन्होंने पार्टनरशिप करी है भारत फोर्ज के साथ, जिनके साथ मिलकर ये पहली 400 जो गन है वो बनाएंगे। और उसके बाद का ये प्रपोजल है कि टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र के थ्रू ऑर्डनेंस फैक्ट्री द्वारा बाकी 1180 जो हॉविट्सर्स हैं वो बनाई जाएंगी। तो यहाँ पर बात हो गई एथोस की, अब बात करते हैं ATAGS की। तो ATAGS का जो प्रोजेक्ट है वो 2012 में चालू हुआ था और 30 महीने के अंदर इसको बनाकर तैयार कर दिया गया था। फिर उसके बाद पिछले 4 साल से इस पर ट्रायल्स चल रहे हैं, जिसमें इसने काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया है। तो ATAGS की जो सबसे अच्छी बात है वो ये है कि ये ऑल इलेक्ट्रिक ड्राइव को यूज़ करती है, जिसकी वजह से ये ऑलमोस्ट मेंटेनेंस फ्री है, रिलायबल है और काफ़ी लंबे समय तक यूज़ करी जा सकती है। बाकी इसमें जो एमिनेशन हैंडलिंग सिस्टम है वो भी ऑटोमेटेड है। बाकी इसमें हाइड्रोलिक ड्राइव को यूज़ किया गया है, तो इसकी जो मैन्युवरेबिलिटी है वो भी काफ़ी अच्छी है। इसको डिफरेंट टेरेन में बड़े आराम से इधर उधर ले जाया जा सकता है। साथ में जो ऑक्सिलरी पावर यूनिट है वो पूरी तरीके से इंडिया में बनाया गया है और काफ़ी अच्छे से काम करता है। तो ATAGS में 95% से ज़्यादा इंडिजिनस कंपोनेंट्स को यूज़ किया गया है। साथ में इससे ज़्यादा दूरी तक सटीक वार किया जा सकता है, क्योंकि इसका जो चैम्बर वॉल्यूम है वो करीबन 25 लीटर का है, जो कि स्टैंडर्ड 23 से ज़्यादा है। तो अभी तक जो ATAGS के ट्रायल्स हुए हैं उसमें इसने काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया है, बस एक जो है वो बैरल बस्ट हुआ है।
तो दो प्रोटोटाइप ने करीबन 2000 के आसपास जो राउंड्स हैं वो फायर किए हैं और ये जो नंबर्स हैं ये भी काफ़ी इम्प्रेसिव हैं। परफॉर्मेंस वाइज अगर बात करें तो ATAGS जो है वो एक बेटर परफॉर्मिंग गन है एथोस के कंपैरिजन में। तो ये दोनों गन जो है वो 155 मिलीमीटर और 52 कैलिबर के जो राउंड्स हैं उसको फायर करने में सक्षम है। ATAGS की बात करें तो इसकी जो इफेक्टिव रेंज है वो 48 किलोमीटर की है और मैक्सिमम जो है वो 52 किलोमीटर क्लेम करी जाती है। एथोस की बात करें तो एथोस की जो नॉर्मल रेंज है वो 30 किलोमीटर की है और जो मैक्सिमम है वो 40 किलोमीटर की है। बात करें रेट ऑफ फायर की तो जो ATAGS है वो बस्ट में 3 राउंड्स को 15 सेकंड पर फायर कर सकती है, इंटेंस फायरिंग में 15 राउंड्स को 3 मिनट में फायर कर सकती है और सस्टेन्ड में 60 राउंड को 60 मिनट में फायर कर सकती है। बात करें एथोस की तो एथोस द्वारा बस्ट रेट में 3 राउंड्स को 30 सेकंड में फायर करा जा सकता है जो कि ATAGS के केस में 3 राउंड्स 15 सेकंड में ही है। वहीं पर बात करें इंटेंस रेट का एथोस का तो वो 12 राउंड है 3 मिनट में और ATAGS का ये 15 राउंड है 3 मिनट में, यानी कि 2 राउंड ज़्यादा फायर कर सकती है। वहीं पर सस्टेन की बात करें तो 42 राउंड जो है वो 60 मिनट में फायर करने में सक्षम है एथोस और ATAGS 60 राउंड्स को 60 मिनट में फायर कर सकती है। तो हर मामले में चाहे आप रेट ऑफ फायर की बात कर लें चाहे आप रेंज की बात कर लें जो इंडिया की ATAGS है वो ज़्यादा बेटर परफॉर्म करती है। तो ये तो हो गई एबिलिटी की बात, अब बात कर लेते हैं किस मामले में एथोस जो है वो ATAGS से बेटर है। तो एथोस का जो वज़न है वो 15 टन से भी कम का है, वहीं पर ATAGS के वज़न की बात करें तो ये 18 टन के आसपास का है। तो ये वज़न का जो डिफरेंस है वो काफ़ी मैटर करता है क्योंकि इन गनों को ट्रांसपोर्ट करना एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। दूसरे एडवांटेज की बात करें एथोस के ATAGS पर तो वो इसका प्राइस है। एथोस का जो प्राइस है वो एक गन का 11 करोड़ से कम का है, वहीं पर ATAGS की बात करें तो उसकी एक गन का जो प्राइस है वो 16 से 18 करोड़ का है। तो ये दो छोटे मोटे फैक्टर नहीं है, काफ़ी बड़े फैक्टर हैं, पर फिर भी क्योंकि ATAGS एक इंडियन गन है तो इंडियन वेपन्स को बढ़ावा देने के लिए आर्मी की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि अगर थोड़ा बहुत अंतर पड़ रहा है तो इंडिजिनस गन को सपोर्ट किया जाए। तो क्योंकि एथोस को लेने के जो चांसेस हैं वो अभी भी काफ़ी अच्छे हैं तो आर्मी पे ये ब्लेम लग रहा है कि वो इंडिजिनस वेपन्स को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। तो अब हम एक बार चीज़ें आर्मी की साइड से भी सोच कर देखते हैं। तो हमारी जो आर्मी की रिक्वायरमेंट है वो काफ़ी वास्ट है, हम खाली हवर्जर्स की बात नहीं कर रहे हैं। हमारी आर्मी को अपने ग्राउंड फोर्सेस का भी मॉडर्नाइजेशन करना है, ज़्यादा ड्रोन्स खरीदने हैं और टैंक खरीदने हैं, हेलीकॉप्टर्स भी खरीदने हैं, एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल्स भी खरीदनी है। तो बहुत बड़ी रिक्वायरमेंट है जो अभी तक पूरी नहीं हुई है, लेकिन जो बजट है वो लिमिटेड है। तो अगर हमारे सामने एक ऑप्शन है कि एक गन जो है वो हमारी सारी रिक्वायरमेंट पूरी भी करती है और काफ़ी सस्ते में मिल रही है, काफ़ी तेज़ डिलीवर भी हो जाएगी और उसमें करीबन 70% इंडिजिनस कंपोनेंट्स भी लगेंगे और साथ में इंडिया में ही मैन्युफैक्चर होगी तो स्पेयर पार्ट वगैरह का जो इशू है वो नहीं आने वाला है, बाद में फर्दर ऑर्डर देने के बाद टेक्नोलॉजी और ट्रांसफ़र के थ्रू इसे इंडिया में पूरी तरीके से ऑर्डिनेंस फैक्ट्री द्वारा बनाया भी जाएगा। अपने दूसरे ऑप्शन की बात करें तो जो दूसरी गन है उसमें 96% इंडिजिनस कंपोनेंट्स लगे हुए हैं और जो परफॉर्मेंस है वो हमारे रिक्वायरमेंट से भी बेटर है पर थोड़ी सी भारी है और जो प्राइस डिफरेंस है वो एक गन का 5 से 7 करोड़ ज़्यादा है, लेकिन ये गन इंडियन है तो इसको लेने पर इंडिजिनाइजेशन प्रमोट होगा और फ्यूचर के लिए रास्ता खुलेगा। तो 5 से 7 करोड़ जो प्राइस डिफरेंस है वो मैटर नहीं करता अगर खाली 400 गन लेनी होती, पर टोटल आपको करीबन 1580 गने चाहिए। उस केस में ये जो 5 से 7 करोड़ का प्राइस डिफरेंस है वो बहुत बड़ा डिफरेंस बन जाता है, यानी कि आप अपनी रिक्वायरमेंट से थोड़ा बेहतर परफॉर्म करने वाले गन के लिए करीबन 11,060 करोड़ ज़्यादा दे रहे हैं। तो ये 11,060 करोड़ एक ऐसी आर्मी के लिए जिसकी काफ़ी रिक्वायरमेंट अभी तक अधूरी पड़ी है, बहुत ज़्यादा पैसा है। इतने पैसे में आप अंदाज़ा लगाइए कितने UAVs आ सकते हैं, एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल्स आ सकती हैं, कितने सोल्जर्स के लिए बुलेट प्रूफ जैकेट्स हेलमेट्स आ सकते हैं और काफ़ी ज़्यादा जो रिक्वायरमेंट है वो आर्मी की पूरी हो सकती है। साथ में जिस गन के लिए आप ज़्यादा पैसा भी दे रहे हैं और अच्छा परफॉर्म कर रही है उसका वज़न भी थोड़ा ज़्यादा है, तो आर्मी के लिए थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन यहाँ पर हो गई। आर्मी इंडिजिनाइजेशन के खिलाफ नहीं है और इसका जो सबूत है वो ध्रुव हेलीकॉप्टर्स हैं
जिनकी जो सक्सेस है वो आर्मी के इन्वॉल्वमेंट की वजह से हुई है। तो आर्मी पे ऐसे ब्लेम लगाना कि इंडिजिनस वेपन्स को ये कम प्रायोरिटी देते हैं, ये गलत है। तो जो स्मार्ट मूव यहाँ पर हो सकता है वो ये हो सकता है, जिसमें पैसा भी थोड़ा बच जाए और इंडिजिनस जो गन है उसको भी सपोर्ट मिल जाए, वो ये है कि जो शुरुआत की 400 गन एथोस लेनी है उनको तो ले लिया जाए ताकि आर्मी की जो जल्दी रिक्वायरमेंट है वो पूरी हो जाए। बाकी जो 1100 सी गने लेनी है उसमें से कुछ एथोस ली जाएं और कुछ ATAGS ली जाएं, ताकि बहुत ज़्यादा बर्डन आर्मी पर भी ना आए और जो इंडिजिनस गन है उसको भी एक सपोर्ट प्रोवाइड हो। इसी बात पर इस वीडियो को ख़त्म करेंगे। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।